सोच रही हूँ कि अगर उस दिन उमेर ताई जान के कहने पर फातिमा से मंगनी कर लेता तो। उमेर मुताहिर नहीं है जो अपनी माँ की हर बात मान ले। तुमने देखा नहीं कैसे सबके सामने उसने इनकार कर दिया? लेकिन उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उमेर को हमेशा के लिए खो दिया। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उमेर से मोहब्बत हो गई। ऐसे क्या देख रही? मैं देख रही हूं कि तुम कोई भी बात कितनी आसानी से कर देती हो। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए अम्मी। आप प्लीज फूफो के घर जाके ये रिश्ता खत्म कर दें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है अनिका जितना तुम समझ रही हो। खैर मुझे थोड़ा सा वक्त दो, देखती हूँ क्या करना है। खबरदार ये बात किसी के सामने मुंह से ना निकले। ओके कपड़े हैं चौधर चाय पहन ले। मुझे मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा एक छोटा सा इम्तिहान लिया मैंने। कैसा इम्तिहान? मोहब्बत का इम्तिहान। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी। उस दिन मैंने तुमसे जरा सा मजाक किया था और तुम तो सीरियस ही हो गए। तुमने मुझे ऊपर से सिर्फ इन फजूल फूलों के लिए बुलवाया है। वैसे बड़े अजीब से शौक हैं तुम्हारे, है ना? इंसान ऐसे तोहफे देता है। कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? दरअसल अनिका को फूलों का ज़्यादा शौक नहीं है। अगर मुझे पता होता कि उसे नहीं पसंद मैं ना लेकर आता तो क्या हुआ? शौक तो बदल भी जाते हैं। पता है कभी कभी हमें किसी की मोहब्बत बदल देती है, हमारे शौक भी और हमारी आदतें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी और अनिका की पसंद एक होगी। मैं ये फूल अनिका के कमरे में रख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन फूलों की खुशबू अनिका के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को और बढ़ा देगी।
बेटा मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है? आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। बाबा आप ही तो कहते हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होती है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत ही होगी। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा सुन ले तू मौला, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, तू वो बारिश कर दे। ऐसे एक बात तो बताओ, फातिमा से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कुछ ज्यादा ही एहसास नहीं हो रहा? वैसे बात सिर्फ एहसास की है या कोई और बात है? बेटा तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है? आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। जैसे तुम्हारी अकल पे हैरत हो रही है अम्मी की बातों में। अरे इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता हो, जिसके साथ रहना चाहता हो, प्यार करता हो उससे। और तुम्हें भी उससे शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। फातिमा क्या बात है? फातिमा तुम रो रही हो, बताओ मुझे क्या बात है, बोलो, कम से कम रोना तो बंद करो। तुमने अभी तक उमेर की बात अपने दिल से लगाई हुई है? तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। अरे ताई जान की गलती समझकर उस बात को भूल जाओ। उमेर ये बात कब की भूल चुका है? और तुमने इतना सीरियस ले लिया? देखो मैं तुम्हारी दोस्त, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं, इन बातों को अहमियत देनी छोड़ दो। जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसे मामले हो जाते हैं, बड़े हमारे रिश्ते तय कर देते हैं आपस में। फातिमा मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, इसलिए एक मशवरा दे रही हूँ, इस बात को भूल जाओ, अपने दिल से निकाल कर फेंक दो, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहोगी। अनिका मैं उमेर से मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं उसे।
अनिका, मैं उमेर से मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं उसे। फक तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, वो कल असाइनमेंट जमा करवाना है ना अपना, तो वही बना रही थी। अनिका, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। जब से मैंने तुमसे अपने दिल की बात शेयर की है ना, यकीन जानो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल का बोझ ही उतर गया। जब से तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोई हूं, वाकई मेरा दिल बहुत हल्का हो गया, वरना मैं बहुत टेंशन में थी। फातिमा, इंसान को अपना गम बांट लेना चाहिए, गम बांटने से दिल हल्का हो जाता है। किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ती है ना। अब देखो, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा अम्मा के पास चली जाती हूँ। काश मेरी भी माँ जिंदा होती। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम जब चाहो अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकती हो। कहते हैं कि कजिन्स बहनों की तरह होती। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे मेरा एक मशवरा है। क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें उमेर को बता देना चाहिए। अनिका, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं उमेर से ये सब कुछ नहीं कह सकती। आखिर इसमें बुराई क्या है? नहीं अनिका, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से इस काम में कोई बुराई नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कर चुकी होती। हाँ, लेकिन मुझ में तुम जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं नहीं कर सकती अनिका, प्लीज। अगर तुम उमेर को बताओगी कि तुम उमेर से मोहब्बत करती हो, क्या पता उसके दिल में भी फीलिंग्स जाग जाए। देखो फातिमा, मोहब्बत के अक्सर केसेस ऐसे ही होते हैं। शुरू में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब पता चलता है तो इंसान उस मोहब्बत की कदर करता है। अब अगर तुम इस मोहब्बत को अपने दिल में छुपा कर रखोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछतावा हो और तुम सोचो कि काश मैं उमेर को सारी बातें बता देती। नहीं अनिका, मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती, मुझमें तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम खुद जाके उमेर से ये बात नहीं कर सकती तो फिर तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करवाओ, वो मैं उमेर को सेंड कर दूंगी। इससे तुम्हारी बात भी पहुंच जाएगी और तुम्हें सामना भी करना नहीं पड़ेगा। अब सोचो मत, जैसा जैसा मैं कह रही हूं बस वैसा करो। लेकिन अनिका। चलो रेडी, अब मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूं, जैसा जैसा मैं कहती हूं वैसा वैसा करना। नहीं अनिका प्लीज, मुझसे सब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो फातिमा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। फातिमा, तुम जानती हो कि मैं उमेर को तुमसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है ना, उसे अच्छा लगेगा। देखना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो तुम्हारी कदर करने लगेगा। मैं जानती हूँ ना, तभी तो कह रही हूँ उसे बता दो। अनिका, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। फिर मुझे मत कहना कि अनिका तुम मेरे काम नहीं है। अनिका,
फातिमा जी ताई यहाँ क्या कर रही हो? ताईजान मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फातिमा के पास जाकर बैठ जाऊं। रात में बैठ जाती हो बातें करने के लिए और जब सुबह कॉलेज के लिए उठाओ तो तुम कहती हो कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। चलो जाओ जाकर कमरे में सो अपने। जी फातिमा बेटा तुम ये लिफाफा रख लो, शाहीन को दे देना क्योंकि मैं सुबह जा रही हूँ मिसेस शहजाद की तरफ और मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। जी जी ठीक है। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर एक गेट टुगेदर प्लान किया, तुम भी चलो ना। अनिका तुम जानती तो हो मुझे ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, तुम जाओ। कितनी बुरी बात, मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। जब भी मैं तुम्हें कहीं अपने साथ जाने का कहती हूँ तुम मना कर देती हो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा यार। अनिका मुझे अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, मैं फिर कभी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। अरे यार वो तो तुम आकर भी कंप्लीट कर सकती हो ना, देखो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। उमेर भी वहां ऑफिस से डायरेक्ट आ जाएगा। ताई जान ना मुझे अकेले जाने नहीं देंगी, तुम होगी ना तो फौरन से इजाजत मिल जाएगी, चले। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं चाचा जान से बात करके आई हूँ, बस तुम भी साथ चल रही हो। एक मिनट अनिका मेरी बात तो सुन। यार कुत्सिया भी नहीं आ रही। वो हमेशा ऐसे ही करती, लास्ट टाइम भी ऐसे ही। शिट आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। अब तुम ठीक हो ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं अच्छा, साफ करके आ। लिसन वहाँ वॉशरूम में चली जाओगी? हाँ मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। यार बोरियत हो रही है, कुत्सिया भी नहीं आई वरना कुछ एंजॉयमेंट हो जाता। हाँ यार अनिका वैसे काफी बोरियत हो रही है। लेकिन मुझे तो बोरियत नहीं हो रही है। लेकिन अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो मेरे पास है तुम लोगों के लिए कुछ। क्या है? क्या है? मुझे भी दिखाओ। आओ तुम लोग को भी दिखाती हूँ। क्या है इस वीडियो में? मुझे भी दिखाओ ना। हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही है खास। Really? बिल्कुल तुम्हारे लिए। ये देखो उमेर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गई लेकिन हो गई। उमेर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गई लेकिन हो गई। क्या ये वीडियो है और क्या है? शायद फातिमा का दिल चाह रहा होगा टिकटॉक बनाने का। कहीं तुम प्रैंक तो नहीं कर रही? अरे भाई मैं क्यों प्रैंक करूंगी उमेर के साथ। अब देखो ना वीडियो में कितना संजीदा होगी, इजहार मोहब्बत कर रही है बेचारी। क्या है फातिमा तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह की हरकतें करती हो तुम? जी
शफीक। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा किधर है? फातिमा अनिका के साथ गई है, वो चंद दोस्तों ने मिलकर कोई प्रोग्राम बनाया था बाहर जाने का। अच्छा, और आएगी कब तक? बस आती होगी। चलिए, मैं फिर भी फोन करके पता करती हूँ। बेहतर। तुम दोनों आए हो? फातिमा कहाँ है अनिका? फातिमा? फातिमा अभी तक घर नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? वो तुम्हारे साथ गई थी अनिका। जिमी, वो गई तो हमारे साथ ही थी, लेकिन कुछ थोड़ा पहले निकल गई थी हमसे, अभी तक पहुंची नहीं है। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो निकल गई थी तो अब तक कहां है, घर क्यों नहीं पहुंची? फोन करो उसे फौरन। क्या हुआ? वो फोन बंद आ रहा है उसका। फोन भी बंद आ रहा है उसका? अनिका, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना उसे साथ लेकर आना, वो तुम्हारे साथ गई थी। हद करती हो तुम भी। कहाँ चली गई? अगर तुम खुद जाके उमेर से ये बात नहीं कर सकती तो फिर तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करो, वो मैं उमेर को सेंड कर दूंगी। इससे तुम्हारी बात भी पहुंच जाएगी और तुम्हें सामना भी करना नहीं पड़ेगा। देखो फातिमा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। फातिमा, तुम जानती हो कि मैं उमेर को तुमसे बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है ना, उसे अच्छा लगेगा। देखना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो तुम्हारी कदर करने लगेगा। दुनिया के रंगों में खो के जापे, पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सुविराने उसके लिए हो तू डोर जब खुदा के। कहीं तुम प्रैंक तो नहीं कर रही? अरे भाई, मैं क्यों प्रैंक करूंगी उमेर के साथ? अब देखो ना, वीडियो में कितना संजीदा होकर इजहार मोहब्बत कर रही है बेचारी। क्या है फातिमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह की हरकतें करती हो तुम? तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था? कोई तो बात हुई होगी ना जो वहां से चली गई वो। उमेर, तुम बताओ क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस एक छोटा सा मजाक किया था, वो उसे बुरा लग गया, वो वहां से चली गई उसकी वजह से। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी फातिमा आ गई। बेटी कहां रह गई थी तुम? इधर देखो, बताओ ना मुझे, मैं क्या पूछ रहा हूं? फातिमा, तुम
बेटा, हुआ क्या है? कुछ तो मुझे बताओ ना। देखो, तुम कुछ कहोगी तो मुझे पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो अपने बाप से कुछ ना कहो, ठीक है, लेकिन अपने दोस्त से तो कुछ कहो, उसे तो कुछ बताओ। बेटा, तुम्हें तो कहा करती थी कि बाबा आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्त तुमसे पूछ रहा है, बताओ। कुछ नहीं हुआ बाबा। ओह फातिमा, मैं पानी पानी पिलाता हूं तुम। ये लो फातिमा मेरी बच्ची, लो पानी पियो, पानी पियो, पी लो ना, पानी पी लो, पियो पियो पियो, शाबाश। बेटा, तुम्हारी मां कहा करती थी कि जो बात मुंह से न कही जा सके तो उसे आंसुओं से कह दिया जाता है, वो बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल यह है कि आंसुओं की जुबान समझी नहीं जा सकती। बेटा, जो शिकायत है तुम मुझसे कहो, मैं जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन बेटा तुम मुझसे उन लोगों की शिकायत तो करो जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी। बेटा, तुम्हें पता है कि एक मर्द अपनी बीवी की शिकायत को इग्नोर कर देता है, अपनी मां के गिले को नजरअंदाज कर देता है, अपनी बहन के शिकवे को खातिर में नहीं लाता, लेकिन वही मर्द जब एक बेटी का बाप बनता है तो उसके लिए सबसे अहम उसकी बेटी की शिकायत होती है, वो अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम मुझसे शिकायत करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारा बाप उनके साथ क्या करता है जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है। मामा, आप जज्बाती हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अनिका और उमेर ने तकलीफ दी है ना? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बात को दिल पर ले लेती हूँ। आप मेरे लिए इस तरह परेशान ना हुआ करें। फातिमा, नाराज हूं मुझसे। देखो, सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उमेर इस तरह तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। बल्कि मैं तो मौका देख के उसके बारे में बात करने आई थी तुमसे, लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी कसूरवार समझती हो तो तुम्हें जो सजा देनी है तो मुझे दे सकते। अनिका, मुझे वजाहत ही नहीं दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अपना दिल साफ कर लो मेरी तरफ से। दिल वहां साफ किया जाता है जहां दिल में खोट हो। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन मुझे मुनाफिकत नहीं आती।
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ भी है, उमेर को इस तरह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था उसे। उसने मेरा नहीं, उस मोहब्बत का मजाक उड़ाया जो मैंने उससे की है, और इसमें उमेर का भी कोई कसूर नहीं है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। इंसान का जितना ज़र्फ होता है वो दूसरों के एहसास की भी उतनी ही कदर करता है। और हम किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये बात भूल जाते हैं कि मजाक उड़ाने से इज्जत उसकी नहीं बल्कि हमारी इज्जत कम हो जाती है। मैं मार्केट तक जा रही हूँ, अनिका के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए आज। साइमा जी। अम्मा जी। बेटा मैं मताहिर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मताहिर इस मंगनी से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर वो रौनक ही नहीं है। हद है अम्मा जी, मताहिर अनिका को पसंद करता है और मैंने मुताहिर की पसंद को मद्देनजर रखते हुए अनिका से मंगनी करवाई है। आपको फजूल में कोई गलत फहमी हो रही है। इस टॉपिक पर हम आकर बात करें, मुझे देर हो रही है। आ जाओ। कॉफी। अरे तो तुम शाहिन से कह देते, वो बना देती। थैंक यू। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे बोर हो रहा था, सोचा आपके लिए कॉफी बना लूं। अच्छा, बोर होने पर तो तुम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, फिर तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कॉफी बनाने का? बस कर लें आप मुझ पे तंज। नहीं, मैं तंज नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रही हूँ कि तुमने फातिमा का बहुत दिल दुखाया है। इतनी प्यारी बच्ची है वो, उसका दिल दुखा के तुम्हें क्या मिला? मैं, आप मेरे लिए भी तो सोचो, जो फीलिंग्स उसके दिल में मेरे लिए हैं, अब मैं जबरदस्ती अपने दिल में उसके लिए तो नहीं पैदा कर सकता ना। उमेर, चाहे जाने का एहसास इंसान को मगरूर बना देता है और तुम मगरूर हो गए हो। यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रही हैं। गलत तो तुम कर रहे हो उमेर। पता है तुम्हें, तुम्हारी सालगिरह का सारा इंतजाम फातिमा ने किया था। हर काम उसने अपने दिल से किया था। बचपन से लेके आज तक हम सब की डांट से वो तुम्हें बचाती आई है, फिर भी तुम्हें उसकी कदर नहीं है। बेटा, जो लोग किसी के खुलूस की कदर नहीं करते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी मुखलिस लोगों को तरसते हैं। ये बात मेरी तुम याद रखना। इस दुनिया में जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा।